नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? तो वेरी गुड। और यहाँ पर दोस्तों ये मैंने नहीं कहा इनसे, ये क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सीखा है, इनको अच्छा लगा है, तो यहाँ पर आप बताइए, मतलब यहाँ पर आप आए हो, आपने सीखा यहाँ पर, यहाँ पर प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखा है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आपको अलग अलग इन बच्चों के रिव्यू दूंगा, जो मैंने सोचा है कि आपको अलग अलग रिव्यू दे रहे हैं, जैसे हमने दो तीन वीडियो डाले हैं वैसे ही। और यहाँ पर दोस्तों मैं इनसे डायरेक्टली दिल से बोलता हूँ, जैसे मैंने इसका भी रिव्यू बनाया था, मैंने तुमसे बोला था ना दिल से जो लगे वो बोलो, और प्रैक्टिकली हमने लाइव आया था और लाइव में हमने इनका वीडियो बनाया था, आपको पता ही है हीरा और इनका टेक्निकल टेलीकॉम करके चैनल है, अगर आपने सर्च नहीं किया तो सर्च कर लेना इनका। तो हमारे साथ ये भी आए थे, मुन्ना हमारे साथ में आए थे, और भी हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है, इसी तरह से मेरे रहिए जुड़े रहिए चैनल से, थैंक यू वेरी मच, आपका बस प्यार चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल को, और ये हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास है, 3 दिन का आउटपुट, जैसे कि हमने एक अपने हार्डवेयर में डाला था, एक सॉफ्टवेयर में डाला है, अभी हमने देखा होगा पिछले हमारे वीडियो में जहां हमने कॉलकम की फ्लैशिंग लाइव की थी, एक साइड का हमने बताया था कि आईवी क्यों नल कर देते हैं लोग, और हमने उस फोन को आपने देखा होगा कि बीच में डेड भी हो गया था, पर हमने उसको फिर से चालू किया था। तो बहुत सारी चीजें आप हमारे वीडियो में देखते रहते और सीखते रहते हैं। ये रहा मैं आज ये क्लास, जैसे कि हर मैं अपने सॉफ्टवेयर के बैच के लिए डालता हूँ, ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल सीखना चाह रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है जिनको बहुत एक्सपर्ट है, तो अगर वो लोग देख रहे हैं तो वो चाहें तो अभी बंद कर सकते हैं चैनल। तो दोस्तों यहाँ पर ये डाला जा रहा है इंस्टीट्यूट का आउटपुट की 3 दिन में हमने किया है, कौन कौन सी क्लास की हमने, मीडिया डे और दोस्तों देखा जाए तो आज 4th क्लास है, और आज हमने कॉलकम भी खत्म किया है, कॉलकम का हमने MI का फ्लैशिंग, कॉलकम का किस टूल से करना चाहिए, कौन सा मोड यूज करना चाहिए, सारी चीज हमने यहाँ पर यूज की हुई है, तो सारी चीज हम यहाँ पर यूज करते हैं। हमने यहाँ पर डायग्नोस्टिक कोड बताया कि अगर ऐसा हो कि आईवी चला जाए तो कैसे लाना होता है, ये सारी चीज बताई, यूएमटी से कैसे फ्लैश होता है, मेडिकल से कैसे फ्लैश होता है, यही सारी चीज अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर हमारे स्टूडेंट प्रैक्टिकल कर चुके हैं और काफी अच्छा यहाँ पर उन्होंने रिवाइज भी किया हुआ है, और देखते हैं कि अब इनसे कितना आता है, तो इनसे ही सवाल जवाब किए जाएंगे लोगों को। बहुत से जब मैंने याद है कि जब हार्डवेयर हो रहा था तब मैंने पूछा था कि सॉफ्टवेयर किन किन लोगों को आता है, किन किन लोगों को नहीं आता है, तो बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल हाथ उठा दिए थे कि जब उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता है, तो नॉर्मली उन लोगों के हिसाब से थोड़ा सपोर्ट करूंगा कि अगर जहां उनको लगता है कि हम थोड़ा सा बैकवर्ड, हम उनको बताने की हिंट करने की कोशिश करेंगे कि वो सही जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप अपने स्टूडेंट को बुलाना चाहते हैं, तो हमारे साथ में है स्टूडेंट, आइए यहाँ पर, तो ये है दीपू, और ये आए हैं कहाँ से? उड़ीसा। तो दीपू आए हैं उड़ीसा के, तो ये एड्रेस करेंगे, इनके साथ में सवाल जवाब करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मीडिया टेक से, तो दीपू बताइए मीडिया टेक कौन सवाल पूछना चाहता है, जो पहले हाथ उठाएगा वो सवाल पूछेगा, एक जना चलो इन्होंने हाथ उठाया हुआ है, वीकॉम ड्राइवर यूज किया जाता है, वेरी गुड, जो की अपना स्टार्टिंग होता है 6200S, 6500S और 6700S, तो इन तीनों में से हम जो भी ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे वो 6200X होना चाहिए, 6500X और 6700X से शुरू होना चाहिए, उसी तीन ड्राइवर हम अगर इंस्टॉल करते हैं तो हर मीडियाटेक के सीपीयू में वो सपोर्ट कर जाएगा। बिल्कुल, एक काम करो सामने आके पूछ लो थोड़ा, मीडियाटेक की बात करूं तो इसमें फाइल का बताइए, फाइल कौन सी यूज होती है? मीडियाटेक में हम अगर बात करें तो अपना बिन फाइल और स्कैटर फाइल करने के लिए, और बिन फाइल ज्यादातर 2G मोबाइल मतलब कीपैड मोबाइल के लिए और एंड्रॉइड मोबाइल के लिए अपना स्कैटर यूज होता है। अच्छा एक बात बताइए, एक सवाल मैं पूछता हूँ, अगर मान लीजिए बिन फाइल हमें चाहिए तो वो बिन फाइल हमें कहाँ से मिलेगी, वो कंपनी टेस्टेड देता है कि वो डेवलपर की रीड की हुई फाइल होती है? वो ज्यादातर अपना बिन फाइल जो है किसी फोन से रीड किया हुआ फाइल होता है और उसी को जो डेवलपर होते हैं उसे नेट पे। अच्छा रीड करना तुमको बताया गया यहाँ पर जी, कौन से टूल से होता है रीड? UMT से हो सकता है कि उससे होता है मेडिकल से? मेडिकल से होता है, UMT से बिन फाइल नहीं, क्योंकि स्कैटर देती है रीड केवल। दिखाओ यहाँ पर कैसे, टूल चला के दिखाओ, माउस ले लो हाथ में, मेडिकल का क्रैक ओपन कर लो, क्रैक से दिखा दीजिए, हमें पहले तो जो फोन कनेक्ट कर देना है, फोन कनेक्ट करने के बाद हम रीड इन्फो करेंगे, रीड इन्फो में हमें यहाँ पर सीपीयू के बारे में मालूम पड़ जाएगा,
तो हमें अगर फास्ट फाइल रीड करना है तो यहाँ से रीड करके हम स्टार्ट, यहाँ पर हमें आईसीसी का मॉडल सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा आईसी है वो। ठीक है, और अब मैंने क्या बताया था कि अगर एक कीपैड मोबाइल है तो अपन क्या ले सकते हैं, ऑटो बूट ले सकते हैं ना, नहीं तो बाकी अपन को आईसी नंबर पता करना होता है। अच्छा, आईसी नंबर कैसे पता करना है, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ ना, मैं जवाब दो बस। हाँ, आईसी हमें बन जाएगा, हम गूगल सर्च से डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं, गूगल से अपन डायरेक्ट पता कर सकते हैं आईसी का नंबर। चलिए ठीक है, और बताइए आप कोई सवाल पूछना चाहता है इसमें, हाथ उठाइए भाई पूछो। मतलब सीपीयू के वर्जन D5 का यूज करते हैं, ये एसपी टूल के वर्जन बता दिए। सीपीयू के वर्जन कितने होते हैं मीडियाटेक में? सीपीयू कौन कौन से मिलता है मीडियाटेक में? कौन कौन से? 6200X, 6500X, 6700X। अच्छा बताइए कि अगर मुझे एफआरपी निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? तो हमें सीपीयू मॉडल सिलेक्ट करना है, फिर हमें सर्विस में जाके हाँ फॉर्मेट पे क्लिक करना है, हाँ फिर सेफ मोड को हमें हटाना है, और एडवांस में क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा जो कि एफआरपी के लिए रहेगा, और हमें फ्लैश मोड पे कनेक्ट करके स्टार्ट। और इसके अलावा दूसरा मोड किससे कर सकते हैं? इसी में ही दूसरा, तीन तरीके बताए थे ना आपको यहाँ पर, फास्ट बूट मोड पे, और यहाँ पे अनलॉक फिक्स में भी एक, देखो यहाँ पर अनलॉक फिक्स का बटन दबाओ, यहाँ पे भी है कहीं एफआरपी, यहाँ पे कहीं पे एफआरपी होता है, तो ये भी कौन से मोड से कनेक्ट होगा? मतलब अगर जितने भी हो रहे हैं सब फ्लैश मोड से कनेक्ट होंगे। चलो ठीक है, पैटर्न रीड करना है तो क्या करना पड़ेगा? पैटर्न रीड करना है तो हमें रीड पैटर्न क्लिक करके यहाँ पर बूट सिलेक्ट करना है, फिर स्टार्ट बटन क्लिक करना। ठीक है, चलिए तो अच्छा ये बताइए कि एक मीडियाटेक का फ्लैश फाइल के साथ कौन कौन सी फाइल मिलती है बताइए? एक मीडियाटेक के फ्लैश फाइल के साथ हमें एक तो ड्राइवर मिल जाता है जो हमें यूज नहीं करना है, हाँ। और दूसरा चीज रहता है हमें क्यों यूज नहीं करना है, क्योंकि वो उसी सीपीयू के लिए बना रहता है, हाँ। तो उसके बाद आता है फर्मवेयर, फर्मवेयर में कौन कौन सी फाइल मिल सकता है? फर्मवेयर में हमें स्कैटर फाइल या फिर बिट फाइल भी मिल सकता है, और उसके साथ स्कैटर फाइल मिलता है। एपी और बीपी किसके लिए यूज होता है? वो आईएमई राइट करने के लिए, आईएमई राइट करने के लिए। उसके लिए कौन सा टूल यूज करना चाहिए? एसएल राइटर यूज करना चाहिए। जो कहाँ से मिलता है, जो कौन देता है? जो उसी फाइल के साथ, फाइल के साथ मतलब उसी फर्मवेयर के साथ आपको आ जाता है। मीडियाटेक की फ्लैश मोड क्या होता है, व्हाट इज फ्लैश मोड बताइए? मीडियाटेक की फ्लैश मोड में जो रहता है हमें मोबाइल को ऑफ करने के बाद उसे बूट की दबा के केबल लगाने से फ्लैश मोड आ जाता है, फ्लैश मोड आ जाता है। वेरी गुड, चलिए ठीक है, थैंक यू, इनके लिए तालियां बजा दो यार। तो आप बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस, तीन दिन में आपने मीडियाटेक जो बताया कितना सीखा इसमें, क्या क्या आपने नई चीज सीखी, और आपने ये सारी चीजें सिर्फ देखी है सीखी है करी भी है बताइए थोड़ा? जी, मैं जहाँ पहले यहाँ आने से पहले देखता था कि लोग मतलब जो सॉफ्टवेयर का काम करते थे मुझे मतलब लगता था इजी है, तो लेकिन मैं ट्राई भी किया हूँ घर में बैठ के, कभी कर नहीं पाया आज तक, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि उसमें बहुत सारे चीज रहते हैं, उसे ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, बहुत कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर अभी तीन दिन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ यार मतलब अभी कर पाऊंगा। तो बस आपके लिए बस यही कहूंगा कि भविष्य में एक ही चीज आपको बार बार करनी है, वो क्या है? मेहनत है ना, तो ये चीज करनी है आपको। यहाँ पर और क्या क्या सपोर्ट मिला है, सपोर्ट बताइए हमसे, सपोर्ट क्या मिला है यहाँ पर हमें सपोर्ट मिला कि अगर क्लास में कुछ डाउट भी रह जाता है तो हमें रात में भी एक्स्ट्रा क्लास मिल जाता है, जो कि कभी कभी 7-8 बजे से शुरू होकर रात 1-2 बजे तक चल जाता है। फिर क्लास में भी ऐसा नहीं है कि जो क्लास का लिमिटेड टाइम रहता है उसी के अंदर ही पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है, जहां तक क्लास खत्म नहीं होता, हो सकता है 4-5-6-7 बजे कहीं जहां तक क्लास चल सकता है वहां तक क्लास चलता है, फिर खत्म होने के बाद ही हम जाते हैं, फिर एक्स्ट्रा क्लास मिल सकता है। और सॉफ्टवेयर में आपको क्या सपोर्ट मिलता है? सॉफ्टवेयर में हमें वीडियो सपोर्ट मिल जाता है, जो कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, फिर अगर कुछ डाउट रहेगा या फिर इंस्टॉलेशन के टाइम में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हम जो वीडियो रिकॉर्डिंग किए होते हैं उसी से हम देख लेते हैं। मतलब आपको यहाँ पर वो ऑनलाइन वाला सपोर्ट भी मिल जाता है, ऑफलाइन वाला सपोर्ट भी है, कि लोग बोलते हैं ना ऑनलाइन दे दो, ऑनलाइन वीडियो दे दो, तो आपको यहाँ पे खुद की पूरी क्लास का वीडियो आपको मिल जाता है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप कोई दूसरा स्टूडेंट आइए, आओ भाई तुम आ जाओ, तो बताइए अपना नाम बताओ और कहाँ से आए हो बताइए। आप इनसे हम पूछेंगे एसपीडी, बताइए नाम बताओ। इस्माइल कहाँ से आए हो आप? हरिद्वार से। हैदराबाद से, अच्छा हैदराबाद से आए इस्माइल। इस्माइल बताओ एसपीडी
कोई मोबाइल फोन में एचपीडी का फाइल आएगा या फिर उसमें सीपीयू आएगा, मुझे कैसे पता चलेगा एक एचपीडी सीपीयू है? गूगल में सर्च करना, गूगल में। अगर मान लो गूगल नहीं है मेरे पास, इंटरनेट नहीं है, तो फिर ओपन करके, मान लो मोबाइल ओपन नहीं करना चाहता, तो फिर मैं किससे सर्च करूंगा? तीसरा नंबर रीड इन्फो में कर सकता हूँ, तो उसके लिए तो बूट की यूज होती है ना, और एक डिवाइस मैनेजर में भी जो चेक कर सकते हैं ना, तो उसके लिए बूट की क्या दबाते हैं, मतलब एक एसपीडी का फ्लैश बोर्ड क्या होता है? ऑन ऑफ केबल पकड़ो और केबल लगा। ऑन ऑफ केबल क्या, पूरा बताओ अच्छे से। मोबाइल का वॉल्यूम डाउन रखना है और केबल पे। वॉल्यूम डाउन से नहीं आया तो वॉल्यूम अप आया है, और वॉल्यूम अप से भी नहीं आया तो फिर अप डाउन दोनों एक साथ देना है, मतलब तीनों चीजें देनी है। एसपीडी में एक बार मुझे बताओ कि जैसे कि हमने प्रैक्टिकल भी किया कि अगर मान लो वॉल्यूम अप डाउन टूटा हुआ है तो अपन क्या यूज कर सकते हैं? बूट की क्या यूज कर सकते हैं? बूट की यूज कर सकते हैं। जो मिरेकल की आती है, सैमसंग की आती है, वैसे ही एक बूट की आती है जो एसपीडी में वर्क कर जाती है। अच्छा, एसपीडी में फ्लैश फाइल कौन सी आएगी? पैक फाइल आएगी। और एसपीडी में अगर मैं बात करूं यहाँ पर एफआरपी निकालना है तो कहां से निकालोगे, दिखा दो जरा। किस मोड में? फ्लैश मोड में। ड्राइवर कौन से यूज होंगे? SCI। और वो ड्राइवर कहां से इंस्टॉल करते हो एक बार दिखा दो जरा, क्या ओपन करना पड़ता है? खुला हुआ है नीचे, खुला हुआ है नीचे, देखिए बताइए यहां पे क्या करना पड़ता है ड्राइवर? वेरी गुड, मतलब यहां से आपको पता है प्रोसीजर, पता है आपको जो ड्राइवर मिलता है। अच्छा ये बताइए, अगर मैंने ए ड्राइवर डाल दिया, भले वो कीपैड फाइल से निकाला या एक एंड्रॉइड की किसी भी फ्लैश फाइल से निकाला है, सब में वर्क कर जाएगा? मतलब स्पेक्ट्रम का ड्राइवर, स्पेक्ट्रम का ड्राइवर अगर मैंने एक ही ड्राइवर चलाया तो वो सब फाइलों में, सब मोबाइलों के साथ कनेक्ट करेगा या सिर्फ उसी फाइल के साथ कनेक्ट, मतलब पूरे स्पेक्ट्रम के साथ कनेक्ट करेगा, सारे स्पेक्ट्रम के साथ काम करेगा? चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, स्पेक्ट्रम में जैसे अगर मान लीजिए मुझे पैटर्न रीड करना हुआ तो कहां से करूंगा? मेडिकल में दिखाओ, रीड अनलॉक, रीड अनलॉक से क्लिक करेंगे। वेरी गुड, और इसके लिए कौन सा मोड यूज करेंगे? फ्लैश मोड यूज करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इनके लिए क्लैप हो जाए। अब यहाँ पर फिर कपिल आएगा उसके बाद में, फिर अभी और भी स्टूडेंट आएंगे जिसके साथ हम करेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं वीडियो रोक रहा हूँ, 15 मिनट का हो गया क्योंकि ये स्लॉट में चलता है। हेलो दोस्तों, हमारे सर की ये एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग बुक है। आप लोग जो भी मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में सीखना चाहते हैं आप इस बुक से सीख सकते हैं। इसमें बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की सभी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। जो भी दोस्त हमारे इंस्टीट्यूट नहीं आ पा रहे किसी कारण से, दूर होने के कारण, किसी वजह से, वो इस बुक को खरीद के अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। आपको मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में जो भी डाउट्स हैं हार्डवेयर के रिपेयरिंग को लेके, आप इस बुक से सब क्लियर कर सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। आप इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, इसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की सभी जानकारी। थैंक यू। An ISO 9001 and 2008 certified institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.